नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर आईटीआई निदेशक जो कि जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई हुई है, उसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन है कि हाई कोर्ट का आदेश आया है कि ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिना सीआईटीएस वाले कैंडिडेट। तो हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट कब है, बीटेक वाले अलाउ है, जिनके पास सीआईटीएस नहीं है, डिप्लोमा, आईटीआई, हर एक कैंडिडेट के डाउट दूर होने वाले हैं यहाँ पे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं ऑफलाइन के फॉर्म के साथ, आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा कहाँ पे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जॉब अपडेट और जो भी पीडीएफ वगैरह होती है, जो भी स्टडी मटेरियल होता है, वो उसी में मिलने वाला है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन फॉर्म चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको अपना ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि ऑफलाइन फॉर्म भरना कैसे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। चलो मेरे साथ आखिर तक बने रहे। सबसे पहले आपको पता है आईटीआई निदेशक की जो भर्ती आई है उसमें हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि बिना सीआईटीएस, हाई कोर्ट क्या बोल रहा है, जिन कैंडिडेट के पास सीआईटीएस नहीं है वो कैंडिडेट भी फार्म है भर सकते, कौन से, विदाउट सीआईटीएस वाले। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है विदाउट सीआईटीएस वाले, इसमें सिर्फ बीटेक वाले ही कैंडिडेट जिनके पास सीआईटीएस नहीं है वो ही फॉर्म भरे, क्योंकि आईटीआई कर रखी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखी है, इन लोगों को तो सीआईटीएस चाहिए ही चाहिए। किसी कैंडिडेट ने बीटेक कर रखा है, उसको सीआईटीएस नहीं है उसके पास, तो वो फॉर्म भर सकता है, ये हाईकोर्ट का आदेश है। ठीक है, जब कर्मचारी चयन बोर्ड से बात की तो उन्होंने बोला, जब हाईकोर्ट का ये आदेश आया है, जिन लोगों ने वहाँ रिट डाली है, पिटीशन डाली है हाईकोर्ट के अंदर, उसकी एक पीडीएफ जारी हुई है, उसमें अगर तुम्हारा नाम है तो ही आप भर सकते हो। अगर आप लोगों ने उसमें अंदर आपका नाम नहीं है लिस्ट के अंदर, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये फॉर्म आपको मिलेगा क्या ऑफलाइन फॉर्म, और कितने दिन का टाइम होता है उस फॉर्म को जमा कराने का। जैसे कि आपको जब फॉर्म स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग से लेके 90 दिन के अंदर अंदर, स्टार्टिंग डेट से लेके 90 दिन के अंदर अंदर आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा कराना होता है। ठीक है, आप देख लो, अगर 3 महीने तो नहीं हुए लगभग वैकेंसी आई को, 3 महीने का आपका टाइमिंग रहता है। ऑफलाइन फॉर्म है जो आपको कहाँ मिलेगा, ये ऑफलाइन फॉर्म आपका आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप अपना ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करो, पीडीएफ निकालो उसकी और भर के सबमिट कर दो। अब उसमें जो भी दे रखा है ना, जैसे बेसिक जानकारी दी, आपका नाम, पता, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, ये सब उसमें दी है। आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, एक आप 10वीं की मार्कशीट लगा देना, एक 12th की मार्कशीट लगा देना, आपकी आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी है, बीटेक वगैरह, तो आपकी एक, जैसे मान लो डिग्री की मार्कशीट होगी या ग्रेजुएशन की मार्कशीट बोल सकते हैं आपको, वो लगानी है। एक्सपीरियंस ज़रूरी है, सीआईटीएस नहीं है तो चल जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है, वो लगा देना। मेन चीज़ तो यही है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, और आपकी डिग्री जो भी आप ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट होगी, और आपकी एक फ़ोटो होगी, वो आप सब भर के उस फॉर्म को डाक के थ्रू आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस के जो पता है, जो एड्रेस है, उस पर आपको भेजना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, अभी फीस का बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है कि फीस का क्या रहेगा, तो कर्मचारी चयन बोर्ड पे आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको फ़ीस नहीं देना है अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर रखा है, क्योंकि आप अपना वहाँ SSO ID का OTR जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना उस फॉर्म पे, तो इससे आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। अगर किसी कैंडिडेट ने फीस नहीं कर रखा OTR, तो आपको क्या होगा, एक ब्लैंक चेक होगा, कैंसिल चेक करके उसका पैसा वगैरह कटाना पड़ता है, वो सिस्टम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहेगा फॉर्म भरने का प्रोसेस। अब आपके पास CITS का कब टाइम मिलेगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, बीटेक वालों का, तो CITS का आपको 3 साल का टाइम मिलेगा, नौकरी लगने के बाद आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको CITS करनी है। बट एक्सपीरियंस बीटेक को 1 साल, ITI को 3 साल, डिप्लोमा को 2 साल, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, सब लोग के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरोगे। CITS नहीं है तो काम
चल जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर हमने तो रीट लगाई नहीं, हम तो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो भर दो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगर हाई कोर्ट का फिर से आदेश आया कि सब लोग फॉर्म भर सकते हैं तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको भी बुला लिया जाएगा पेपर के लिए। अगर नहीं आया, जिन्होंने पिटीशन डाली रीट लगाई उनका ही एक्सेप्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 150 रुपये की बात है, अगर एक्सेप्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो नो दिक्कत। अब आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है आईटीएम देख सका, उसकी जो भी रणनीति होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसा आएगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, वो अपन इस पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो आज की लेटेस्ट अपडेट यही थी। अभी भी कोई डाउट है आप तो कमेंट करें। बहुत सारे कैंडिडेट मांग रहे थे कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट, एग्जाम से संबंधित न्यूज़, अगर आपकी भर्ती संबंधित जो भी न्यूज़ होगी वो इसी चैनल पर मिलने वाली है। आप मेरे साथ जुड़े रहें। एक सूचना और है कि बहुत सारे कैंडिडेट का CITS का एग्ज़ाम अभी जून जुलाई में होएगा, ठीक है, और जून के अंदर आपका ITM जैसे का एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपको एलिजिबल रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या मैटर है, वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।